दोस्तों नमस्कार। कोरोना वायरस के बाद हंता वायरस से मौत का मामला सामने आया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इस नए वायरस की वजह से चीन में एक शख्स की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस वायरस के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं। बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पहले से ही हलचल मचा हुआ है। ऐसे में खबर आ रही है कि चीन के यूनान प्रांत में एक शख्स को सोमवार को हंता वायरस से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई। दोस्तों बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स काम करने के लिए बस से शाडोंग प्रांत जा रहा था। बस में उसके साथ सवार अन्य 32 लोगों की भी जांच की गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना की जानकारी देने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। नए वायरस के डर से लोग इससे भी महामारी बनने से पहले रोकथाम के प्रयासों की बात कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना यह भी है कि यदि लोग चीन में जानवरों को खाना बंद नहीं करेंगे तो ऐसे वायरस हमेशा इंसानी जान के लिए खतरा बनते रहेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस की तरह हंता वायरस घातक बिल्कुल भी नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोरोना की तरह हवा यानी सांस के जरिए नहीं फैलता है। इसके साथ ही यह चूहे या फिर गिलहरी के संपर्क में आने वाले इंसान को संक्रमित करता है। दोस्तों हालांकि हंता वायरस एक शख्स से दूसरे में नहीं जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चूहे के मल, पेशाब आदि को छूने के बाद अपनी आंख, नाक और मुंह को छूता है तो उसके इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे संक्रमित शख्स को बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया हो सकता है। इस तरह के लक्षण वाले संक्रमित शख्स के इलाज में देरी होने पर फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे उसे सांस लेने में भी परेशानी। दोस्तों हम आपको बता दें कि कोरोना को संयुक्त राष्ट्र पहले से ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में 3,82,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हुए हैं और कोरोना वायरस से 196 देशों में ये वायरस फैल चुका है। ऐसे में हंता वायरस की खबर आने से सोशल मीडिया में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है।